हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिशास किचन। आज हम बनाएंगे होममेड पिज़्ज़ा सॉस। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम फ्रिज में स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें मैं डालूँगी टमाटर। टमाटर को इस तरीके से मैंने कट कर लिया है एक्स टाइप में, जिससे हमें इसे पील करना ईजी हो जाए। तो इसे हम बॉईल करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे बॉईल करना है। ये देख लीजिए, हमारे टमाटर का स्किन जो है वो अलग हो चुका है। अब हम इसका स्किन निकाल देंगे। सभी टमाटर का स्किन हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हम इसे रफली कट करके ब्लेंडर जार में ऐड कर देंगे। अगर आपके पास मिक्सी है तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो अब हम इसे दरदरा पीसेंगे। इसका हमें फाइन प्यूरे नहीं करना है। ये देख लीजिए, इस तरीके से हमें इसे दरदरा ही पीस लेना है। मैंने यहाँ पे पैन गरम करने के लिए रखा है। इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गरम हो जाए, साथ ही हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना क्रश किया हुआ गार्लिक और 1 स्मॉल साइज का प्याज। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इसका कलर जो है ज़्यादा चेंज नहीं करना है। बस हल्का सा हमारा गार्लिक जो है वो ब्राउन होने लगे तो हम इसमें हमारा जो टोमेटो का प्यूरे रेडी किया है उसे ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसे भी मिक्स कर देंगे और इसे ढककर 2 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। ये देख लीजिए, हमारा प्यूरे थोड़ा सा थिक हो चुका है। अब हम इसमें बाकी सब मसाले ऐड करते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून शुगर, शक्कर डाली है मैंने। इससे जो खट्टापन है टमाटर का वो थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ओरेगानो और 3 टीस्पून टोमेटो केचप। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें बेजल ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थे तो इसीलिए मैंने नहीं डाले हैं। बेजल से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे, जब तक हमारे टमाटर का ऑयल ना छूटने लगे। ये देखिए, इसमें ऑयल सेपरेट होने लगा है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस स्टेप पे आप इसमें नमक और चिली फ्लेक्स का जो है टेस्ट देख सकते हैं। अगर कम ज़्यादा हो तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। देखिए, हमारा पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार है। आप इसे ठंडा होने के बाद फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।